टीईटी को पास करने का मेन अल्टीमेट पर्पस हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम एलिजिबल होना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर स्टेप पर अगर केयरफुली आप चलोगे, डिसीजन लोगे, तो एम बेटर अचीव हो सकता है। अब सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं। डेट क्या है? 31/10/2022 से लेके 24/11/2022 में, इतना लंबा समय मतलब इन्होंने दे दिया है। 24 दिन आपको मिल गए हैं, लेकिन साथ में एक प्रिंसिपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये इफेक्ट कर सकता है कि आपने डिसीजन जो लेने हैं वो अच्छे से लें, बेटर लें। यहाँ पर डिसीजन कैसे होगा? जो 3 डिसीजन हो लेने हैं आपने मेजर, वो फॉर्म फिल करने से पहले लेने हैं। दैट इज वाई इस ग्राफ के जरिए मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद एक एक पर वीडियो बना के आपको डिसीजन लेने में हेल्प करूँगा। फर्स्ट डिसीजन है कि आपने पेपर कौन सा फिल करना है। पेपर 1 एक ऑप्शन है, पेपर 2 ऑप्शन है, पेपर इन दोनों को फिल करना है, ये ऑप्शन है। ये हम जानते हैं कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक अगर आपने एलिजिबल होना है तो पेपर 1 है, अगर सिक्स से लेके एट्थ तक एलिजिबल होना है तो पेपर 2 है, अगर फर्स्ट से लेके एट्थ तक एलिजिबल होना है तो आपको बोथ लेवल ऑफ पेपर फिल करने हैं। आपकी स्ट्रीम के मुताबिक, बैकग्राउंड के मुताबिक, पर्पस के मुताबिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक ये ऑप्शन आपको डिफरेंटली चूज करनी होगी। इस पर एक पूरा डिफरेंट वीडियो होगा। कारण ये है कि ये चूज करना है हमने, फिर पर्पस वही रहेगा कि पेपर ऐसे किया जाए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊं, जहां मैं जो चाहता हूं वो मुझे मैक्सिमम अचीव हो जाए। सेकंड है ऑप्शन हमने कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम में हमारे पास यहां पर याद रखना है कि अगर पेपर 2 फिल करते हैं तो ये क्वेश्चन उठेगा। पेपर जहां बोथ फिल करते हैं ये उनके लिए होगा, अगर पेपर 1 फिल करते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि सब कुछ कंपलसरी होगा। स्ट्रीम 1 में सब कुछ कंपलसरी में स्ट्रीम की ऑप्शन नहीं होगी, लैंग्वेज की ऑप्शन है, वो नेक्स्ट आगे चल के कर। अच्छा, स्ट्रीम में साइंस स्ट्रीम है मेन, और एसएसटी स्ट्रीम है। कुछ एक लोगों की कंफ्यूजन है कि हमें मैथ्स लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स है हमारे पास या कॉमर्स है हमारे पास, तो हमने चूज कैसे करना है, कौन सा पेपर, कौन सी स्ट्रीम करनी है, तैयारी कैसे करनी है, और कौन से प्रॉब्लम उनको आएंगी, इस वीडियो में ये बात करेंगे। ये इसलिए प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बड़ा रखा गया है, आज तक शायद डिस्कस कम हुआ है, कि अगर आप चूज कर लेते हो टीईटी आप फिल हो जाएगा फॉर्म, और आप एलिजिबल भी हो, सॉरी आप पास भी हो जाते हो, लेकिन उसके बाद देखना तो हमने ये है कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द सब्जेक्ट फॉर विच आई एम आई वांट टू टीच। ओके, तो साइंस के लिए या सोशल साइंस के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल गवर्नमेंट जॉब के लिए होना चाहते हैं वो देखेंगे। थर्ड है कि लैंग्वेज 2 हैं, उन दोनों लैंग्वेज में से कौन सी चूज करनी चाहिए। लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 और 2 ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये डिसीजन डायरेक्टली आपके मार्क्स को इन्फ्लुएंस। अगर आप रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते हो लैंग्वेज 1 या सेकंड जो चूज करनी है, उससे आपके मार्क्स इफेक्ट हो गए, कम से कम 3, 4, 5 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक का फर्क पड़ सकता है। वो कैसे है वो बताते हैं। अल्टीमेटली इस वीडियो में हम इस लैंग्वेज को कैसे चूज करना है इसकी बात करेंगे, इसकी और इसकी अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है सिर्फ इसलिए। अच्छा, आप लैंग्वेज को चूज करने के लिए वैसे तो सीबीएसई ने सीटेट में 22 लैंग्वेजेस दी हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन बचती हैं 22 में से, वो मोस्टली बचेगी इंग्लिश, हिंदी और आपकी लोकल लैंग्वेज। एक आगे हो गया इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक होगी नेशनल लैंग्वेज और एक लोकल लैंग्वेज। तो 3 प्रेफरेंस होगी। हो सकता है आपका यूनिक केस हो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मतलब आपकी लैंग्वेज 4 भी किसी की हो सकती है, लेकिन ज्यादा केस ऐसे ही होंगे। तो ये आपने 3 में से कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज लेनी है और कौन सी
सेकेंड लैंग्वेज लेनी है और किस लैंग्वेज को अवॉइड करना है, ये इस वीडियो में लर्न करना होगा। उसके लिए आपको रैंक बनाना होगा कि फर्स्ट रैंक पर मेरी कौन सी लैंग्वेज है प्रेफरेंस की बन रही, उसके मैं अभी क्राइटेरियाज बताता हूँ जिसके बेस पर आप सेलेक्ट करना है। इवेल्युएशन आपने खुद करनी है, मैंने सिर्फ क्राइटेरिया बताने हैं। तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी आपकी लैंग्वेज बन, साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आपने लैंग्वेज को ऑनलाइन फिल कैसे करना है। अगर ये प्रैक्टिस अभी से साथ साथ में कर रहे हैं तो ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करोगे तो आप ये आपका टाइम और एंग्जाइटी बच जाएगी, टाइम बच जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, ये फैक्ट। लास्ट पॉइंट कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो प्रिंसिपल इस बार सीबीएसई ने अप्लाई किया है उसके बेस के लिए नेचुरली है कि हम इनिशियल डे में अगर यहां पर मान लीजिए स्टार्ट हो गया, यहां पर फॉर्म फिल करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपने तीन ऑप्शन फिल करनी है, आपको पहली ऑप्शन मिल जाए। अगर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलती तो नेचुरली है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर जा रहे हो, जहां आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप अपने जो पैसे डिपॉजिट कराए हैं विदड्रा कर लीजिए। नेचुरली है कि हर हालत में आपको उन्हें सीट अट देना है और आप दूर को प्रेफर करोगे। अगर आप ये चीज़ें लर्न कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको मनचाहा प्रेफरेंस वाला आपका सिटी सेंटर मिल जाएगा। जो लैंग्वेज का सिलेबस है, लैंग्वेज वन का एंड लैंग्वेज टू का, उसको देख लें, उसके बाद डिसीजन लेने में हेल्प होगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दो पोर्शन हैं जो लैंग्वेज के हैं, लैंग्वेज वन के भी लैंग्वेज टू के भी। दो पोर्शन कौन से हैं पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, जो पिछली वीडियो है उसके भी डिस्कस किया है कि एक पोर्शन कंटेंट का होता है, ये लिख दिया मैंने, कंटेंट पहले भी लिखा था, कंटेंट कंटेंट में का पोर्शन ये वाला है और इसमें कितने मार्क्स होंगे, 15 MCQ 15 मार्क्स होंगे और इसमें टू पैसेजेस आएंगे, दो पैरा आएंगे, दो पैराज रीडिंग अनसीन पैसेजेस, ये बात हो गई। वो किस कहां से आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। वन पैरा आएगा जहां प्रोज का होगा या ड्रामा का, एक पैरा हो गया, इट मीन 7 से 8 नंबर का ये पैरा होगा और दूसरा वन पोएम का होगा, दूसरा 7 से 8 नंबर का ये होगा। ये दोनों मिलके 15 मार्क्स बनाएंगे। जो ये 15 मार्क्स आपके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं अगर आप लैंग्वेज को अपने कॉन्फिडेंस लेवल, मास्टरी लेवल और जो फैक्टर मैं बताता हूँ उसके अनुसार बेटर चूज कर लेते हो। ये तो हो गया लैंग्वेज वन का। यहाँ पर मेजर फैक्टर पोयम है, क्योंकि लिटरेचर आ रहा है, प्रोज है, पोयम है। पोयम एक ऐसी जो साहित्य का रूप है जिसमें वर्ड्स जो हैं इसकी पावर्स होती हैं, पावर वन, पावर टू, पावर थ्री। तो जनरली हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज मैं जिसमें बात कर रहा हूँ इसमें वर्ड्स की पावर वन यूज़ हो रही है, जो सारी आपको समझ आ रही है। हाँ, मतलब 95% कह सकते हैं मैक्सिमम समझ आ रही है। और जो दूसरी पावर होती है वर्ड्स की, वो थोड़े सेकेंडरी मीनिंग होते हैं, जैसे मुहावरा और अखान में, ईडियम्स प्रोवर्ब्स में होते हैं ना, तो वो इट इस मीन जब सेकेंड वर्ड यूज़ होता है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, पावर यूज़ होती है तो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब थर्ड यूज़ होती है तो वो व्यंगात्मक होती है, उसके जो मीनिंग जो है व्यंगात्मक होते हैं, उस व्यंग को समझना होता है कॉन्टेक्स्ट में, तो वो डिफ़िकल्ट इतना हो जाता है। ये सबसे डिफ़िकल्ट, इसका मतलब ये हो गया, मैंने तीन टिक लगाए हैं, ये एक, यहाँ दो और ये तीन, तीन से भी ज़्यादा है। पोएट्री में ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसमें वर्ड्स की, शब्दों की तीसरी शक्ति का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिससे आपका डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ जाता है। जबकि हम अच्छा, ये पोर्शन हो गया, ये वाला हम कंपेयर कर रहे हैं, ये पैडागोजी का, उसी का पैडागोजी का दूसरा है जिसके 15 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसका, इसके डिफ़िकल्टी लेवल लैंग्वेज वन का और लैंग्वेज टू का ज़्यादा फर्क नहीं होता। दूसरे पेपर को ऐसे ही देख ले,
तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये आ गया दूसरा पेपर और इसमें भी येलो पोर्शन उसको किया गया है, वो येलो पोर्शन को कंपेयर करना है। फर्क क्या है, इसमें भी दो टू अनसीन पैसेजेस हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोज में से ही है, इसमें पोयम मिस है। इट मींस जो पोयम में डिफिकल्टी लेवल होता है वो ज्यादा होता है, जिसने 7 से 8 मार्क्स आपके लेने हैं। अगर आप जिसमें आपकी मास्टरी है, जिस लैंग्वेज की पोयम में या लिटरेचर में, जहां लिटरेचर की वर्डिंग समझने में, रीडिंग में आपकी मास्टरी है ज्यादा, उसको आप पहला पेपर लोगे। इसको कंक्लूजन कर देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आया, बाकी जो है ग्रामर है, वर्बल एबिलिटी है, वो बाकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में सेम है। दूसरा पोर्शन ये जो पेडागोजी का है, पेडागोजी के 15 मार्क्स यहां पर है और इसका ये पोर्शन भी लगभग सिमिलर है, डिफिकल्टी लेवल भी सेम होगा। इट मींस पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस क्या मिल रहा है हमको, कि डिफिकल्टी लेवल कुछ पोर्शन का, पैराग्राफ जो आना है उस पोर्शन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफरेंट है। अच्छा, ये क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरियाज इसको बड़ा करके देखना है, वो भी देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि मैं लैंग्वेज 1 या 2 को चूज करते हुए ध्यान में रखूं। ये बात हो चुकी है कि लैंग्वेज 1 का थोड़ा पोर्शन रिलेटिवली डिफिकल्ट है। ओके, अगर डिफिकल्ट है तो मुझे वो लैंग्वेज को चूज करना चाहिए जिसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, ज्यादा अचीव कर सकता हूं, ज्यादा प्रीवियस नॉलेज है। वो कैसे पता चलेगा, ये क्राइटेरिया मैंने लिस्ट किए हैं। अब आपके पास जो 22 लैंग्वेज की ऑप्शन दी हुई है, उनमें से, इन ऑप्शन में से आपके पास एक इंग्लिश बच रही है, मोस्ट केसेस से आपके पास हिंदी बच रही है, तीसरा रीजनल लैंग्वेज मैंने ये लिखा है, मदर टंग जिसको बोलते हैं, होम लैंग्वेज, क्योंकि हमने एक पेपर भी पढ़ना है जिसमें ये वर्ड यूज किए गए हैं, बीएड या ईटीटी में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आप पढ़ते हो, उसमें भी ये वर्ड यूज किए गए हैं, वो उसकी एग्जांपल, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। यहाँ पर मैं PUNJABI पंजाबी की एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास 3 है, यहाँ पर आपकी तेलुगु, उर्दू, कोई भी संस्कृत है ना, आपके रीजन की कोई भी हो सकती है, वो आगे चल के दिखाता हूँ फॉर्म जब फिल करने हैं। तो अब मैंने रैंक बनाना है इनका, कि मैं रैंक 1 पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसमें किस में हूँ। जो आपका रैंक 1 बनेगा, जो भी आपका रैंक 1 बनेगा, रैंक 1 बनेगा यू है ना, वो आपका पेपर लैंग्वेज 1 चूज करोगे। रैंक 1 मीन जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो वो फैक्टर कौन से हैं जिससे पता चलेगा, जिससे आपका ये पेपर इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वोकैबुलरी आपकी कितनी है। देखिए, वोकैबुलरी एक ऐसा पॉइंट है वर्ड्स के मीनिंग, पर्टिकुलरली रीडिंग के वक्त, ऐसा जो क्राइटेरिया है कि 150 आपके क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन अगर आपकी वोकैबुलरी टोटल अच्छी है तो 10 मार्क्स तो आप सिर्फ वोकैबुलरी से ही ले जाते हो, क्योंकि ये वर्बल टेस्ट है हमारा। इसमें 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश आती है, अगर उन लैंग्वेज में आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो एक शख्स की वोकैबुलरी अच्छी है और दूसरे की पुअर है, दोनों इक्वल तैयारी करते हैं, तो वोकैबुलरी जो अधिक है वो वाला एक्सेल कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आपने देखना है मैं किस में वोकैबुलरी अच्छी है, वोकैबुलरी किस में, ये रीडिंग को मैंने हाईलाइट किया है बार बार, कि रीडिंग, रीड करके आपको किसके मीनिंग ज़्यादा समझ आते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, जहाँ पंजाबी, जहाँ आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है। अच्छा, ये रिलेटेड होगा जिस मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो आपका रहा होगा, जिनका इंग्लिश रहा होगा, नेचुरली है कि यहाँ पर उनका रैंक जो है फर्स्ट ये बन रहा होगा। अगर मीडियम इंग्लिश है, मान लीजिए मीडियम इंग्लिश है, उनकी वोकैबुलरी भी इसी में ज़्यादा होगी। अच्छा, स्टेट वर्सेस सेंट्रल बोर्ड, मान लीजिए कि सेंट्रल बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ICS से पढ़े हुए हैं, स्टेट से नहीं पढ़े हुए हैं, उनकी इंग्लिश भी बेटर होती है, ये रिसर्च बोल रही है इसलिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट, आपकी रीडिंग प्रेफरेंसेस है, मान लीजिए आप लिटरेचर पढ़ने का शौक है, अगर वो इंग्लिश वाला ज़्यादा पढ़ते हैं, बुक्स इंग्लिश की ज़्यादा पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर इंग्लिश ही ज़्यादा रीड करते हैं, तो भी आपका ये आ गया इंग्लिश। ये एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ,
आपके अचीवमेंट इन टेंथ या ग्रेजुएशन या प्लस टू में इंग्लिश और हिंदी में और पंजाबी में कंपेयर कीजिए कि किसके ज़्यादा बन रहे हैं। अगर वो इंग्लिश के बन रहे हैं तो आपकी इंग्लिश चॉइस बन रही है। अच्छा, आपका पोइट्री में कॉन्फिडेंट है कि आप पोइट्री की लैंग्वेज को समझ लेते हो, टेस्ट है पोइट्री वाला, ये मेजर आस्पेक्ट है, ये इन सारे आस्पेक्ट को के इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, पोइट्री में अगर आप मान लीजिए आपकी पोइट्री जो है वो इंग्लिश में आप ज़्यादा समझ लेते हो, जहाँ इंग्लिश की बजाय आपकी हिंदी में ज़्यादा समझ लेते हो, है ना, तो यहाँ डिसीज़न लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। क्या कारण क्या है कि अगर पोएटिकल लैंग्वेज आपको बेटर समझ आती है, जिसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैरा आना है, तो उसको आप पेपर वन लोगे, सॉरी लैंग्वेज वन लोगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है कंटेंट एनालिसिस प्रीवियस पेपर का करके देख लीजिए, दो तीन पेपर देख सकते हैं, उसके सिर्फ पैराग्राफ देखने हैं, बाकी पोर्शन नहीं देखना है। पैरा देख के लगता है आपको एक दो पेपर से वैसे काम नहीं चलता, क्योंकि कई बार होता है कि इजी पैराग्राफ हर बार आ जाते हैं, कई बार ज़्यादा पैरा को कंपेयर करना पड़ेगा, वो कंपेयर करने का आपके पास टाइम नहीं है। दैट इज़ वाई जो हम कोचिंग देते हैं, टीचर हैं, उन्होंने एनालिसिस किया है कि जो फर्स्ट पेपर है उसका जो पैराग्राफ है वो डिफिकल्ट रिलेटिवली होता है, कारण उसका फिर वही है। अच्छा, लोकल वर्सेस इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये आपकी प्रेफरेंस कौन सी रही है? अगर आप कॉन्फिडेंट ज्यादा हो, देखिए चार स्किल्स हैं, ध्यान से ये देखना, चार लैंग्वेज स्किल है, ये तो लिसनिंग, सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर स्पीकिंग, ये आ गई ना आइल्स वाली आ गई, फिर रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर मैं तीसरी वाली रीडिंग की बात कर रहा हूँ, रीडिंग के लिए अगर आपकी प्रेफरेंस कोई और बनती है तो वो आप फर्स्ट में लीजिए। अब आपने डिसीज़न कैसे लेना है? डिसीज़न लेने के लिए सबसे पहले पोइट्री का एग्जांपल आपके सामने है कि पोइट्री को जल्दी से जल्दी अगर इजीली उसके जो थर्ड जो शक्ति होती है, पावर होती है वर्ड की, वो समझ आती है, तो आप उसको ले लीजिए। तो इसमें डिसीज़न लेना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा जो बच्चे स्टेट बोर्ड से, जो बच्चे सेंटर बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम से, आईसीएसई से, है ना, पढ़े हुए हैं और उनकी इंग्लिश प्रेफरेंस रीडिंग की है, वो इंग्लिश को फर्स्ट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड पोइट्री भी उनकी कॉन्फिडेंट हो। नहीं तो सिर्फ पोयम देखिए आप इंग्लिश की, जो पेपर पिछले में आ चुकी है, जहाँ देखिए आप हिंदी की पोयम और पंजाबी की पोयम, जहाँ अपनी रीजनल लैंग्वेज की, उसको कंपेयर कर लीजिए एक बार। अच्छा, तो अगर दूसरी तरफ, ये दूसरा डिसीजन कि अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हो और अपनी मदर टंग में पढ़े हुए हो और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपका लोकल लैंग्वेज रहा है और आपकी अचीवमेंट भी दसवीं में बारहवीं में उसमें ज़्यादा है और पोइट्री आप अपनी लोकल सुनते हो और शेयर करते हो, रीड करते हो, तो आपका पलड़ा भारी हो गया, आपका पंजाबी जहाँ लोकल लैंग्वेज आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करना, चॉइस ये फाइनल करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि फर्स्ट में मार्क्स जो है रिलेटिवली डाउन चले जाते हैं। इस फर्स्ट रैंक पर किसको रख रहे हैं? जिसमें मास्टरी सबसे ज़्यादा लग रही है और इजी सबसे ज़्यादा लग रही है, है ना, वो चूज़ कर ली। उसके बाद सेकंड वाली वो चूज़ कीजिए जो ऐसे कंपेयर करके, मान लीजिए आपकी टाई हो गई है, इंग्लिश या हिंदी में दूसरा चूज़ करना है, तो इंग्लिश या हिंदी के एक बार पेपर को देख के, और कई बार होता है कि हम बेशक हिंदुस्तान में रह रहे हैं लेकिन कई बार हिंदी हमें डिफ़िकल्ट लग रही है इंग्लिश से, ये डिपेंड करेगा आपकी लाइफ इन 7-8 क्राइटेरियाज पर कैसे गुजरी है प्रीवियस लाइफ, ये फिर आपने डिसाइड करना है। अगर आप पिछले पेपर देख लेते हो तो बेटर है, पैरा देख लेते हो बेटर है। हाँ, कई बार अगर आपको पक्का लगता है कि आप जो आपकी अचीवमेंट वेरी लो है इंग्लिश में जा रही, है ना, तो
तो आपको टीचर से भी डांट पड़ती रहती थी, जहाँ आप रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इंग्लिश से भागते हो, तो आपके लिए हिंदी और लोकल लैंग्वेज, मोस्टली जो लोग हैं रिमोट एरिया से हैं, रूरल एरिया से हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, वो हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में से ही चूज़ करते हैं। जो लोग सेंट्रल बोर्ड CBSE से, ICSE बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम जिनका रहा है, इंग्लिश टेस्ट रहा है, पोइट्री का टेस्ट रहा है, वो इंग्लिश ही फर्स्ट लैंग्वेज फिल करते रहे हैं। तो ये बात थी कि आपने चॉइस कैसे फाइनल करनी है लैंग्वेज। ये टोटल चार्ट से समरी आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज एक है हमारे पास, लैंग्वेज टू है, और लैंग्वेज इनका दोनों का कंपैरिजन अगर देखना है तो MCQ के नंबर 15 ही इसमें आ रहे हैं, 15 ही इसमें आ रहे हैं। किसके जो कंपेयर करने हैं, पैराग्राफ के, दो पैराग्राफ में 15 नंबर के आएंगे और इसमें लैंग्वेज टू में भी आएंगे। यहाँ पर इक्वल चल रहा है दोनों का। अच्छा, फॉर्म ऑफ पैराग्राफ इसकी प्रॉब्लम है। लैंग्वेज वन में पोयम है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल जहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ओके। तो ड्रामा एंड प्रोज, इधर भी ओनली प्रोज, इट मीन्स इधर पोयम एंड ड्रामा, ये दो एडिशनल चीज़ें आती हैं जो डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आज तक के जितने भी एनालिसिस हुए हैं, रिलेटिवली फर्स्ट पेपर जो भी आप फिल करते हो उसका डिफ़िकल्टी लेवल रिलेटिवली हाई होता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये भी एक बात है। इट मीन्स उसमें थोड़ी वोकेबलरी भी डिफ़िकल्ट हो सकती है, एडवांस हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। दैट इज़ वाई अपना फर्स्ट रैंक निकालना होगा, ये इससे थोड़ा ईजी होता है। अच्छा, वर्ड पावर, इसमें सेकंड और थर्ड वर्ड की पावर यूज़ ज़्यादा होती है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड पावर ज़्यादा यूज़ होती है। पैडागोजी, बाकी 15 जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो 15 ही हैं MCQ, इधर भी 15 ही हैं, यहाँ लिख देता हूँ, और ये इक्वल डिफ़िकल्टी लेवल। लैंग्वेज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए समरी की भी समरी बना दी है, इसमें क्वेश्चन भी आपको, अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो वो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये आप हो और आपके पास तीन ऑप्शन है, एक आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक नेशनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज में 20 ऑप्शन है, उसमें से आपकी नेचुरली रीजनल या मदर टंग वो आप ले रहे हो। अब आपने, हमने वीडियो में क्या किया है कि रैंक निकालना है, रैंक आपने खुद निकालना है, किसी ने नहीं निकालना। मान लीजिए आपका रैंक आ गया है कि आपकी लोकल लैंग्वेज नंबर 1 आपका रैंक है और इंग्लिश आपका सेकंड रैंक है, थर्ड आपका हिंदी है, मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए, ओके। तो इसमें दो चूज करनी है, इट मीन्स ये यहाँ पर मेरे पास पंजाबी है, ये इंग्लिश आ गई, पंजाबी और इंग्लिश आ गई है। ये वो लैंग्वेज है, वहाँ पर CTET में आपके पास जो सामने आना है वो पेपर 1 भी एक इंग्लिश का होगा, 2 भी होगा। क्वेश्चन ये है कि आपने क्या पेपर 1 को इंग्लिश लेना है या 2 को इंग्लिश लेना है। हिंदी भी होगा 1 और 2 भी हिंदी होगा, ये पंजाबी भी होगा और पंजाबी 2 भी होगा। तो अब तक हमने बात क्या की है, अगर वही सब्जेक्ट पेपर 1 में आप फिल कर रहे हो तो ये रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा और ये रिलेटिवली इजी होगा। अगर ये डिफ़िकल्ट है, अगर आपकी मास्टरी, वोकेबलरी, वो जो पीछे पॉइंट डिस्कस करके आए हैं उसके बेस पर रैंक 1 पर ये आ रहा है, तो आपको रैंक 1 पर ये आ गया ना, आपकी मास्टरी इसमें ज़्यादा लग रही है, तो आप इसको फर्स्ट लोगे, ये कह रहा हूँ मैं। और ये सेकेंड आ रहा है यहाँ पर, सेकेंड, तो आपने सेकंड लेना है। ए, यहाँ से जाएंगे, ग्राफ खराब ना हो, ये रहा इंग्लिश, इसको चूज़ कर लिया ऐसे। अगर आपकी सेकंड हिंदी है तो ये वाले की जगह आप ये चूज़ करोगे, अगर ये, तो ऐसे आपने ये डिसीज़न लेना है। अच्छा, जब आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऐसी कुछ ऑप्शन आपके पास आएंगी। अप्लाइंग फॉर, नंबर एक, आप पेपर 1 के लिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे, पेपर 1 के लिए फिल कर रहे हो, यहाँ पर क्लिक किया तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगी, पेपर 1 क्लिक
अगर करना है तो पेपर वन वो वीडियो डिफरेंट होगा, जिसके बेस पर आप डिसीजन लेके यहाँ पर इजीली क्लिक कर लोगे। अगर डिसीजन नहीं लिया होगा तो ये बार बार लॉक करके ओपन करना, लॉक करके ओपन करना, इसी प्रोसेस में लगे रहोगे, टेंशन बढ़ती रहेगी। पेपर टू या बोथ ये आ जाता है। अच्छा, अपनी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पर क्लिक करोगे क्वालिफिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बीएड रेगुलर की हुई है ना, बीएड स्पेशल एजुकेशन से की है, डीएलएड की हुई है, ईटीटी की हुई है, ऑप्शन आ जाएंगे, आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर टू, देखिए पेपर वन के लिए सब्जेक्ट ऑफर नहीं है, क्योंकि दोनों एनवायरमेंटल साइंस या दूसरा मैथ्स वो कंपलसरी हैं, दोनों को ऑप्शन नहीं है। लेकिन पेपर टू में ऑप्शन आपने फिल करनी है, आपने साइंस मैथ्स स्ट्रीम में, एक स्ट्रीम है उसमें जाना है, जहाँ सोशल साइंस स्ट्रीम में जाना है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपके किसके अकॉर्डिंगली है, ये आपको जब फॉर्म फिल करोगे पता चल जाएगा। यहाँ पर ऐसे पेपर वन, पेपर टू, पे बोथ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोथ करना है तो ये क्लिक कर दिया डॉट को, इतनी सी बात है, घबराने की क्या है। लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, लैंग्वेज वन, अब हमने जो स्टडी कर लिया है सारा कुछ कि मैंने प्रेफरेंस पहले से बना के लिख के रख ली है, डिस्कस कर लिया है, अगर किसी से करना भी है गाइडेंस लेनी है ले चुके हैं। लैंग्वेज वन यहाँ से सिलेक्ट किया और करने के बाद ऐसे ऑप्शन आपके पास लंबी आ जाएंगी। तो आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट में फिल करनी है, यहाँ पर इंग्लिश को क्लिक कर देना, वो फिल हो गई। उसके बाद आप फिर वापस जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, लैंग्वेज टू आ गई, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने पहली इंग्लिश ली थी और दूसरी पंजाबी ली है, ये हो गया है ना। मान लीजिए आपने दूसरी इंग्लिश लेनी है तो वो प्रेफरेंस के अनुसार है, ये सिर्फ आपको फिल करने के लिए कैसे फिल करना है ये बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने स्ट्रीम कौन सी चूज़ करनी है वो अलग से वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इनके लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो अगर आप मैथ्स के कईयों का तो फाइनल है, जो मान लीजिए आपने बीएससी की हुई है तो साइंस फाइनल है कि साइंस आपने चूज़ कर लिया। अगर आपने बीए आर्ट से की हुई है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, लैंग्वेज इलेक्टिव पंजाबी है ना वो पढ़ी हुई, तो आर्ट्स ग्रुप से हो, सोशल साइंस आपने यहाँ से फिल कर दिया। तो ये थे आपके डिसीजन लेने में। अब अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तैयारी के लिए सीडीपी की क्लासेस रोज लगेंगी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिस भी होंगे, कंसेप्ट भी डिस्कस किए जाएंगे। टाइम बहुत कम है इसलिए ज़्यादा जोर जो होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पर होगा। तो दूसरा है कि क्लासें लग सकती हैं लैंग्वेज की, जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने क्लास ये ऑनलाइन लगानी है तो ये मत सोचिए कि मैंने इंग्लिश की पैडागोजी की लगानी है, क्योंकि मैंने इंग्लिश और पंजाबी फिल किया है तो मैं ये क्लास लगाऊंगा, ऐसे नहीं है। आपको हिंदी की भी अटेंड करनी चाहिए। कारण ये है कि जो क्वेश्चन होते हैं पैडागोजी के, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से जो 90% का ना बोला था कि 90% पैडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया भी ऐसे बार बार लिख के बताया है मैंने उसमें, तो वो वीडियो में यही बताया है कि ये वर्ड आप उस क्वेश्चन में वर्ड इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से पंजाबी लिख दो, क्वेश्चन में फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फंडामेंटल से आते हैं क्वेश्चन। दैट इज वाई आपको अगर लैंग्वेज की क्लास लगानी है तो वो तीनों ही लगा सकते हैं, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो रॉ मटेरियल उठाऊंगा, कभी क्वेश्चन इंग्लिश के, इसकी क्लास होगी, हिंदी के होंगे, पंजाबी के होंगे, ऐसे क्लासेस लगेंगी। तीसरा ग्रुप बन रहा है मैथ साइंस का, सोशल साइंस का, एनवायरमेंटल साइंस का। पैडागोजी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स के क्वेश्चन है, सोशल साइंस के क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली वो पैडागोजी को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्लासेस इकट्ठी होंगी, इट मींस आप जब चाहो इसकी 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 पैडागोजी की क्लास लगा सकते हो। हाँ, कंटेंट आपने ज़्यादा, आप अब से ही पढ़ना शुरू कर, पेपर वन फिल कर रहे हो अगर आप, तो आप जो लोअर लेवल की क्लासेस से हैं, इवन सेकंड थर्ड से ही पढ़नी शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी की, एससीईआरटी की, जहाँ कोई एडिशनल भी है। ऐसे नहीं है सारा पेपर उसी में से आता, वो बेस है सिर्फ, सारा पेपर उसी में से नहीं आता, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, स्टेट बोर्ड जहाँ स्टेट का जो टेट होता है उसमें तो बढ़ जाता है। तो दूसरा है, अगर आप एट्थ क्लास के लिए फिल कर रहे हो, पेपर टू फिल कर रहे हो, तो आप हायर की ज़्यादा पढ़ सकते हो, टेंथ, टेन प्लस टू तक भी जा सकते हो, ये आपकी टाइम
कैपेसिटी, मेंटल एनर्जी, शेड्यूल कैसे बनाते हो उस पर निर्भर करेगा। तो ये क्लासेस लगेंगी, तो ये क्लासेस लर्न टू एक्चुलाइज पर ऑनलाइन लगेंगी। नॉर्मल शेड्यूल जो है 6 PM और 9 PM, ये दो क्लासेस होंगी। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू आपकी नीड्स जो हैं, शेड्यूल हैं, कभी मेरा भी शेड्यूल बिजी होता है तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। छुट्टी वाले दिन जल्दी भी लग सकती है, हाँ देर रात को भी लग सकती है ये क्लास। वो आपकी जो भी फीडबैक सुजेशन आप दोगे उसके साथ हम चलते रहेंगे। थैंक यू। लर्न टू एक्चुलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।